ऑब्जेक्टिव वन है हमारे पास, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है सब ग्रुप का, उसके बाद इंडेक्स का, और उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप का। ये तीनों वर्ड हम देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल सब ग्रुप, उसके हवाले से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स की हैं और कुछ थ्योरम्स हमने डिस्कस करने हैं। और नॉर्मल सब ग्रुप से पहले हम देखते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। ग्रुप एक हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उस नॉन एम्प्टी सेट का हम अगर ऑर्डर पेयर बनाते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है दैट ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ग्रुप। इफ एंड ऑनली इफ ये चार कंडीशन को फुलफिल करे तो ठीक हो गया। पहली कंडीशन जो है हमारे पास वो होती है क्लूजर प्रॉपर्टी। क्लूजर प्रॉपर्टी इन शॉर्ट मैं अगर रिवाइज करूँ आपको, तो ठीक है, दो एलिमेंट हैं जी के, तो उनकी उन पे बाइनरी प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, बाइनरी ऑपरेशन, नॉट मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन। हाँ ये है कि वो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या कुछ भी हो, तो वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो दो एलिमेंट से अप्लाई करें तो जो आंसर है वो भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लियर। आफ्टर दैट वी हैव एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव क्या होता है कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं और तीन एलिमेंट्स पे बिल्ड करती ऑर्डर को चेंज करके हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। उसके बाद होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एंड इनवर्स एलिमेंट। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, तो वो नॉन एम्प्टी सेट जो जी है वो ग्रुप कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक हो गया। तो अब उस नॉन एम्प्टी सबसेट का, उस नॉन एम्प्टी सबसेट का जिसको हमने जी का नाम दिया हुआ है, एक सबसेट है, और वो सबसेट उसी बाइनरी ऑपरेशन को, कोई और बाइनरी ऑपरेशन नहीं, उसी बाइनरी ऑपरेशन को फुलफिल करता है, और वही चार प्रॉपर्टीज, चार बातें जो उसने फुलफिल की हैं वो सेम वही सबसेट फुलफिल करता है, देन वी कैन सेट दैट नॉन एम्प्टी सबसेट इज कॉल्ड सब ग्रुप। सेम वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करे, सेम एसोसिएटिव को, सेम आइडेंटिटी को, सेम इनवर्स को, देन दैट सबसेट इज कॉल्ड सब ग्रुप। तो एच को आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एच जो है ये सबसेट है जिसका ग्रुप का, और सबसेट का फिलफिल नहीं है तो इसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं जी। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कह सकते हैं जो कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट के अंदर होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है जी? हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सब ग्रुप का पॉइंट हो चुका है कि वो एक ग्रुप ही होता है, ठीक है जी। नॉर्मल सब ग्रुप से पहले हम एक डेफिनेशन करना चाहेंगे, डेफिनेशन का नाम है डबल कोसेट। डबल कोसेट, कोसेट का आपको आइडिया है? तो इस हवाले से जस्ट हम टू दी पॉइंट रहते हैं, डबल कोसेट पे आते हैं। डबल कोसेट पे हम इसकी डेफिनेशन है कि लेट एच एंड के, ये क्या है, दो सबसेट्स सब ग्रुप्स हैं, बी टू सब ग्रुप। अब सारे सब ग्रुप्स हैं तो इनका कोई ना कोई जो है सुपर ग्रुप भी तो होगा, ठीक है, और किसके सब ग्रुप्स हैं, ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप में से एक एलिमेंट ले लेते हैं जी, एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, जो कि बिलोंग करता है किसमें से, ग्रुप में से, यानी ग्रुप का हमने एक एलिमेंट ले लिया। अच्छा जी, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि बिलोंग करता है ग्रुप में से, जिसके ये दोनों सब ग्रुप्स हैं, ठीक हो गया जी। लॉन्ग ग्रुप, अच्छा जी,
दो सब ग्रुप्स हैं, और हमने किसके जी के, जी में से हमने एक एलिमेंट ले लिया है। ये एलिमेंट आर्बिट्री हो सकता है, ये फिक्स नंबर नहीं है, ये क्या है हमारे पास एक आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ए बिलोंग टू जी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, कुछ ऐसे है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास सब ग्रुप एच एलिमेंट ऑफ जी एंड सब ग्रुप के एक सेट का नाम है, और सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे कि एच पहले है तो एच, देन ए, देन के, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे। इसमें एच जो है ये बिलोंग करेगा साहब एच से, हम इसलिए इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एच से, और जो के है ये बिलोंग करता है कैपिटल के से, कैपिटल के से। सो दैट टाइप ऑफ सेट, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है एच ए के नाम का, एच सब ग्रुप, के सब ग्रुप, और दरमियान में एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि इन दोनों का जो सुपर ग्रुप है उसमें से है। और इसके एलिमेंट क्या होंगे, एच ए के होंगे, मतलब पहले एच का एलिमेंट, देन फिर ग्रुप का एलिमेंट, देन फिर के का एलिमेंट, देन हम क्या कहते हैं कि ये जो सेट बनता है दैट इज कॉल्ड डबल को सेट। को मतलब मिल के बनने वाला, दैट इज कॉल्ड को सेट, डबल को सेट जी। तो डबल को सेट के आपको आई होप के डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, तो इसी को लेके हम आगे चलते हैं जी। अब अगर आपको समझ नहीं आए तो इसमें हम एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप ले लेते हैं S3 नाम का, ठीक है। S3 का मतलब यह है कि उसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा, S3 नाम का हमने ग्रुप ले लिया, या आप इंडेक्स का नाम भी कह सकते हैं। उसके एलिमेंट हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ए, ए स्क्वायर, ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं बी, और ए बी कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ए स्क्वायर बी कर लेते हैं। क्यूब की तरफ हमने नहीं जाना, क्यूब हमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमारे पास इसका जो इंडेक्स है वो हमने रखा हुआ है 3 कहा हुआ है जी। आइडेंटिटी ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें से इसके दो सब सेट लेते हैं। अब ये ग्रुप है तो वो सब ग्रुप्स बन जाएंगे। अब हम इसमें से एक एच ले लेते हैं, एच में हम आइडेंटिटी एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है, ए डाल देते हैं और ए स्क्वायर डाल देते हैं। ये पहले 3 एलिमेंट मैंने उठा लिए थे, आइडेंटिटी ए और ए स्क्वायर, इस सब ग्रुप को मैंने एच का नाम दे दिया है। और दूसरा सब ग्रुप हम लेते हैं के, और के में हम कोई एलिमेंट डाल देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सारे होगा, और साथ में हम बी डाल देते हैं जी। ये हमारे पास ग्रुप है, ये उसके सब ग्रुप्स हैं एच और के। अब हमने एक एलिमेंट लेना है, किसमें से, जी में से। अब वो एलिमेंट इसमें भी हो सकता है, वो एलिमेंट इसमें से भी हो सकता है। हम जी बी एलिमेंट लेते हैं जी, ठीक है, बिलोंग टू जी। अब हमने बी एलिमेंट ले लिया, बिलोंग करता है किससे, जी से, ग्रुप से, जिसको हमने S3 का वर्ड लिखा हुआ है, बिलोंग टू S3। अच्छा जी, अब कंडीशन क्या थी, अगर हम कंडीशन दोबारा देखें, एच ए के, अब पहले हमने एच के एलिमेंट लेने हैं, देन हमने ग्रुप से एलिमेंट लेने हैं। अब एच लिखते हैं हम यहाँ पे एच, अब एक जगह पे हमने बी ले लिया है के, अब इसके एलिमेंट्स को हमने वैसे ही बनाना है जैसे कंडीशन थी एच बी के। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले एच के एलिमेंट्स लिखने हैं, ये हमारे पास एच हो गया एच, ठीक है, देन बी, और देन हमने के एलिमेंट्स पुट कर दिया जी। अब हमने इसको, इनको मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में आगे चलेंगे। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय बी दैट इज इक्वल टू बी, आफ्टर दैट ए मल्टीप्लाई बी दैट इज इक्वल टू ए बी, इसी तरह ए स्क्वायर बी बन जाता है, ठीक हो गया। और ये इसको मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी और बी वैसे हैं पड़े अभी, देन हम इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी मल्टीपल आइडेंटिटी बी वैसे आ जाएगा, फिर ए बी भी वैसे आ जाएगा,
आइडेंटिटी के साथ जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा वो वैसे का वैसे आता जाएगा, ए स्क्वायर बी आ गया। आफ्टर दैट वी हैव बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसी तरह हमारे पास ए बी स्क्वायर आएगा, इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स पुट करते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास अगर हमने इसको आइडेंटिटी और बी कहा हुआ है, इट मीन्स दैट कि अगर ई आइडेंटिटी है तो बी का जो इनवर्स है वो आइडेंटिटी होगा, या फिर बी का आर्डर टू होगा क्योंकि दो एलिमेंट हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास उसका कहाँ से आइडेंटिटी आ रहा है। अब आर्डर दो होते हैं, एक होता है आर्डर ऑफ अ सेट, एक होता है आर्डर ऑफ एन एलिमेंट। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये होता है कि अगर उस किसी भी नंबर की पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है तो उसका आर्डर होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके हवाले से थ्योरम भी है कि आर्डर ऑफ अ ग्रुप जो है उसका आर्डर ऑफ एन एलिमेंट के साथ रिलेशन है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो बी का आर्डर टू बन रहा है, मतलब बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी देगा। तो हम इन तमाम एलिमेंट्स में से जहाँ पे भी बी स्क्वायर होगा उसको हम आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देंगे जी। अब बी सिंगल है, ठीक है, ए बी ए स्क्वायर बी, अब यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, इट मीन्स दैट दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए आपके पास वैसे आ जाएगा, इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास सेम वही सेट बन जाता है जो कि हमारे पास S3 नाम से है, ठीक हो गया। आइडेंटिटी ए ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी के इक्वल आ जाएगा। सो सच टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड डबल को सेट। इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट एच सी होंगे, उसके बाद हमने उसको मल्टीपल कर देना है, बैनर पेट लगा देना है वो है बी के साथ, और देन हमें के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट इज कॉल्ड डबल को सेट, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर इसको हमने मैथमेटिकल पढ़ना हो तो हम कहेंगे कि जिसका मॉड्यूलो 3 है, मॉड्यूलो 3, मॉड्यूलो जैसे कि अब हमारे पास होता है 1 2 3 है तो उसका मॉड्यूलो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 से आगे हमने बढ़ना नहीं है। 4 अगर आएगा तो हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा या 3 बनेगा। सेम है, इसका मॉड्यूलो 3 है, और अगर मॉड्यूलो नहीं है देन हम कह देते हैं कि जी ये जो इसके सब ग्रुप हैं एच और के, इसका मॉड्यूलो एच और के होगा, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसका डिटरमाइंड किससे हुआ है, किस एलिमेंट से, वो बी एलिमेंट है जो एलिमेंट में ग्रुप में से रहना है। तो ये डबल को सेट है जिसका मॉड्यूलो एच और के हैं, और ये हमारे पास जो है डिटरमाइंड है एलिमेंट बी से जी। डबल को सेट करने के बाद अब हम ने जहाँ से बात स्टार्ट की थी, हमारी बात थी नॉर्मल सब ग्रुप से, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए डबल को सेट को पढ़ना क्यों जरूरी था ये भी पता चल जाएगा आपको। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, मैं पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ ताकि हम आसानी से अपने टॉपिक को, अपनी बात को समझ सकें। नॉर्मल सब ग्रुप, अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप है तो साफ जाहिर है एक सब ग्रुप का ही नाम होगा अ सब ग्रुप, एक सब ग्रुप। क्या हम जैसे कि हम कॉमनली जनरली एच को सब ग्रुप का नाम देते हैं, ऑफ ग्रुप जी, अब ग्रुप जी या जी लिखने की बात है, इज सेट टू बी नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहते हैं, इज नॉर्मल इफ, इफ एंड ओनली इफ, या आप इफ ही कह दें क्योंकि डबल इम्प्लाइज नहीं होता इस पे, अगर हमारे पास इस टाइप की कंडीशन बन जाए कि जी दरमियान में हम एच सब ग्रुप और जी इनवर्स, ठीक हो गया, जी एच जी इनवर्स। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डबल को सेट है। अब इस डबल को सेट में पहला एलिमेंट भी जी का है, अगला एलिमेंट भी जी का है, और दरमियान में पूरा सेट है
जिसको हमने सब सॉरी पूरा ग्रुप है जिसको हमने सब ग्रुप का नाम दिया हुआ है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो सबसेट होना चाहिए किसका, सब ग्रुप का। ठीक है, अलहम्दुलिल्लाह जी, दैट इज सब ग्रुप ऑफ एच। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो देन हम कह सकते हैं कि जो सब ग्रुप एच है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसी बात को लेकर चलते हैं कि जी एच और जी इनवर्स जो है सब ग्रुप सबसेट है एच का, इसका जो भी आंसर आता है। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे जो जी है फॉर एग्जाम्पल, ये जी बिलोंग करता है ये वाला सवाल, जी बिलोंग करता है ग्रुप में से। अब अगर ये है तो इसका इनवर्स भी तो होगा ना ग्रुप के अंदर, सो वी कैन सेट दैट कि इसका इनवर्स भी जो है वो भी एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम इस जी को रिप्लेस कर देते हैं जी इनवर्स के साथ, ठीक है, अब क्योंकि जी और जी इनवर्स दोनों एलिमेंट हैं जी के, तो साफ है जी इनवर्स भी कोई एक एलिमेंट होगा, तो हम रिप्लेस कर देते हैं इस जी को जी इनवर्स के साथ, तो ये बन जाएगा जी इनवर्स, और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा जी इनवर्स का इनवर्स अगेन। तो जब एक इनवर्स का अगेन इनवर्स लेते हैं तो वो जी के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, और ये भी बिलोंग करना चाहिए एच के साथ, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू एच। इट मीन दैट अगर आपके पास कंडीशन आ जाए कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए इसके साथ या इसके साथ, तो बोथ कंडीशन होंगी। अब यहाँ पे अगर आप सेट की जगह पे एलिमेंट पुट कर देते हैं फॉर ऑल, आगे लिख देंगे कंडीशन में कि फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच, तमाम एच के एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो, देन एच इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक हो गया जी, तो इसको हम नॉर्मल सब ग्रुप का नाम देते हैं। जी अब हम आते हैं अपने पहले ऑब्जेक्टिव पे। पहले ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या थी, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू होता है देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये थ्योरमेटिकल बातें हैं, बल्कि मैंने कुछ थ्योरम भी यहाँ पुट किए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि पहला थ्योरम है नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, एक अबेलियन ग्रुप का तमाम सब ग्रुप्स जितने भी हैं इज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, वो उसके क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। वाई, रीजन क्या है, क्योंकि अबेलियन में कम्यूट प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है तो अगर आप डबल को सेट पे आ जाएं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ई बी इज इक्वल टू बी ई, सेम एज ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। इट मीन्स दैट कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट आ रही है वो अगेन उस सेट के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो इट मीन्स दैट कि वो क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप डबल को सेट बना रहा है, और डबल को सेट की प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप में है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका प्रूफ भी साथ दिया गया है ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो, दो लाइनों का प्रूफ है जैसे मैंने बताया है। जी अगला थ्योरम है हमारे पास, सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन इंप्लाइज दैट है एवरी लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट को सेट, मतलब वो डबल को सेट होना चाहिए, लेफ्ट भी हो और राइट भी होना चाहिए। वही बात जो हमने पहले की है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया जी, तो इसका प्रूफ भी की मैंने। इसके बाद है इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू, अगर जी ग्रुप है एच उसका सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स क्या है, टू है, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यही बल्कि ऑब्जेक्टिव भी आई हुई है, तो थ्योरम से ही उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाई हुई है, तो इसकी रीजन भी मैं बता चुका हूँ, इसके डिफरेंट केसेस हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये फिर इसको उन्होंने ऑटोमॉर्फिज्म साथ मिला दिया है जो हम ऑटोमॉर्फिज्म कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने इन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर में बता देता हूँ। इसके बाद कुछ सेल्फ असेसमेंट है और इसमें थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए गए हैं।
इन ऑब्जेक्टिव्स को देख के फिर हम सेल्फ असेसमेंट पे आते हैं, तो उनमें अगर आपको क्वेश्चन होगा तो डिस्कस कर लेंगे। जी जी इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, इसका 2 होगा सब ग्रुप का, देन वो क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सेम एज इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप जी, देन एन ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी, सेम एज सिंपल बात है। अच्छा जी इसी तरह हमारे पास इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एंड ओनली इफ, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है देन क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग टू एच होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप जैसे वो लिखा हुआ था लेफ्ट को सेट इज इक्वल टू राइट को सेट, या आप कह सकते हैं कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, ठीक हो गया। लास्ट ऑब्जेक्टिव 5 है, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट को सेट इन जी इज अ राइट को सेट ऑफ एच इन जी, ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट भी क्या होने चाहिए, राइट को सेट होने चाहिए, और वो खुद भी क्या होने चाहिए, राइट को सेट होने चाहिए। द ओनली प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस फोर इज ए फोर, जैसे हमने 2 का किया तो वो 2 था, 3 का था वो 3 था, 4 का है तो वो ए फोर ही होगा। जी क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का, फिर डी लगाना है। जी, इनके आंसर भी मैंने मजीद आपको भेज दिए हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।